गाइस, ये कैनस्टर का लिटिल डीएक्स कूलर है जिसकी टंकी की कैपेसिटी 12 लीटर तक होती है। और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से हवा आती है और यहाँ अंदर रोटर लगा हुआ है। ये काफ़ी गंदा हो चुका है, ये 5 साल पुराना कूलर है लगभग, और इसमें काफ़ी मिट्टी जम चुकी है। ये टेप के निशान हैं, ये मुझे इसलिए लगाने पड़े थे आज से 2-3 साल पहले, बिकॉज तब मेरा बच्चा छोटा था और वो इस चक्र को बार बार खोल के यहाँ से पानी को पीने की कोशिश करता था। अब मैं आपको इस कूलर की पावर दिखाता हूँ। ये 5 साल पुराना कूलर है, ये देखिए यहाँ पे कुछ हवा में मैं अब इसको ऑन कर रहा हूँ। ये 5 साल बाद भी इस रोटर की भी जो क्षमता है उसको आप देखिए। कूलर कुछ यहाँ पर है और ये देखिए ये यहाँ तक कितनी इफ़ेक्टिवली हवा को थ्रो कर पाए। तो ये इस मोटर जिसमें रोटर लगा होता है, इसकी विशेषता, यह सालों साल तक चलता रहता है और ख़राब नहीं होता। ये कूलर बहुत ही एफिशिएंट और कम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद इसकी मोटर भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों में खामियां हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप जब इस कूलर को खरीदें तो अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका कूलर और सालों साल चलेगा और जो है खूबसूरत और सुंदर दिखता रहेगा और अंदर से साफ भी होगा। ठीक है, इस कूलर को बंद कर देता हूँ। अब हम इस कूलर के बैक साइड में जाते हैं। मैं इस कूलर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, सो ये जो जगह है ये देखिए ये खाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जंग खा चुकी थी। जब मैंने सर्विस के लिए किसी बंदे को बुलाया था तो उसने ये बोल्ट तोड़ने पड़े उसको। ठीक है, अब इस कूलर को ऐसे खोल लेते हैं। ये देखिए ये अंदर से ये रोटर है और ये देखिए ये काफ़ी गंदा हो चुका है क्योंकि मैं कूलर यूज़ नहीं करता हूँ। ये कूलर मेरा खाली पड़ा हुआ है और आप देखेंगे अगर ध्यान से तो सब जगह पर जो है जंक लग चुकी है बुरी तरह से। और इस वजह से जब मैंने इस बार सर्विस के लिए अपने उस सर्विस सेंटर पर कॉल करके बुलाया था तो वो उसने जो है मुझे हेल्प करने से मना कर दिया, बिकॉज ये कूलर खुलने लायक नहीं रह गया, अगर ये खुलेगा तो फिर ये बंद नहीं होगा। तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में ये बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। और मेरी जो ये देखिए ये जो ब्लेड्स होते हैं ये स्विंग करते हैं और इसकी जो मोटर होती है वो भी अंदर से ही खुलती है, और आपको अगर इसको साफ़ भी करना है तो भी ये अंदर से ही खुल के फिट होगा, जो कि यहाँ पर जो है वो चीज़ ब्लॉक हो चुकी है। सो मैं अपने अगले वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि कैसे एक नए मॉडल को हमें हैंडल करना है जिसके वजह से हम जो है बेहतर एफिशिएंसी और खूबसूरती पा सकते हैं सालों साल। Thank you for watching this video.